अरे तो ठीक हो गई? आप तो बिल्कुल वैसी हो, पर मैं पूरी एक उंगली बड़ी हो गई हूँ। लड़की जात और कचरे का ढेर कब बढ़ जाए पता नहीं चलता। आप ना होती तो वो मामी और वो बदमाश मारे डालने वाले थे मुझे। मैं कैसे ना आती? अच्छे से जानती हूँ, घर का अनाज और घर की लाज, बहुत देर बाहर खुले में रह जाएं तो मुंह मारने वाले आसपास मंडराने लगते हैं। पर आपको कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ? रावण के 10 सर थे और तेरी ठाकू माँ के हैं 20। अभी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सारे दिखने लगेंगे। बस मैंने सिर घुमाया और पहुंच गई तुम्हारे वो धर्मशाला जैसे विद्यालय में। ओहो ठाकुर माँ, उसे धर्मशाला नहीं हॉस्टल कहते हैं। हाँ पढ़ाई होती है। लड़की की पढ़ाई, करछी और कढ़ाई। जब तक लड़की का हाथ नहीं जलता, उसके गुड़ों के स्वाद का पता नहीं चलता। बुझी चीश? खैर छोड़, तू बस इतना जान ले कि तेरे धर्मशाला से निकलते ही मुझे सुराग मिलने लगे और मैं तुझ तक पहुंच गई। आप कितनी अच्छी हो ठाकुर माँ, आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। जीती रहे। वैसे एक बात कहूंगी, तू भूली नहीं कि मेरी आज्ञा के बिना इस घर में कोई सांस भी नहीं ले सकता। आपकी डांट और उसके बाद बाबा के रसगुल्ले, दोनों याद है मुझे। बाबा होता तो तुझे रसगुल्ला खिला सकता था, जैसे ससुराल में पति खिलाता होगा। पति था, दे सकता था, पर जब औरत के साथ पति या पिता का नाम ना जुड़ा हो तो चाशनी से भरे रसगुल्ले नहीं, जहर से भरे ताने परोसे मिलते हैं थाली में, जैसा मेरे बाद तेरी माँ के साथ हुआ। माँ? अरे आपसे बात करते करते तो मैं भूल ही गई, मुझे माँ से मिलना, आपके साथ ही रहती है ना माँ? ठाकुर माँ जल्दी बताए ना कहाँ है माँ? हाँ बताती हूँ। माँ? माँ? अरे रुक! माँ? अरे रुक! थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत साथ। हाँ? ये क्या हुआ तुझे? मौत देता। छोटे मालिक मोटर गाड़ी से टकराते बचे, समझिए कि मौत के मुंह से लौट कर आए। छोटे मालिक पे आगे से इतनी सख्ती मत दिखाइएगा। पंडिता, थोड़ी मिश्री थोड़ा नीम, बन गई हकीम। अकड़ी कमर से लेकर टेढ़ी नजर सब सीधा किया है मैंने, तेरी माँ को भी बिल्कुल ठीक कर दूंगी। बस मैं दवा संभालती हूँ, तू दुआ संभाल। हाँ ठाकुर माँ, दिन रात प्रार्थना करूंगी मैं दुक्का माँ से, खूब सेवा करूंगी माँ की, पूजा व्रत जो कहेंगे वो रखूंगी मैं। सही समझी, औरत का असली ठाट मंदिर और पूजा पाठ। ठाकुर माँ, ये सब हुआ कैसे माँ के साथ?
सुमति बहू तुझे लेकर बहुत परेशान रहती थी। एक दिन खाना पकाते समय इसे चक्कर आ गए और जलते चूल्हे पर गिर पड़ी। मुझे बहुत दर्द होता होगा ना माँ। पहले होता था बहुत दर्द, पर तेरी ठाकुर माँ के उपचार से दर्द अब कम होने लगा है। तेरी ठाकुर माँ ने मुझे तसल्ली दी थी कि वो तुझे मेरे पास लेकर आएंगे। अब देख तू आ गई है ना, और मैं ठीक होने लगी हूँ बोंदिता। बोंदिता मैं जानती हूँ बेटा, बहुत कुछ हुआ इन दिनों तेरे साथ, पर अब तू चिंता ना कर। अब तेरे साथ तेरी ठाकुर माँ है, मैं हूँ, सब है, सब ठीक होगा तेरे साथ। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती माँ के पास ही रहना होगा मुझे। पर तुलसीपुर में सखा बाबू, काका ससुर जी और बाकी सब भी तो मेरी चिंता में होंगे। उन तक खबर कैसे पहुँचाऊँ, कैसे उन्हें बताऊँ कि ठीक हूँ मैं। तरफ हमारे अनिरुद्ध की हालत देखकर हमारी हालत खराब हो रही है, और दूसरी तरफ बोंदिता बहू की चिंता। तू मत चिंता कर, बस तू ठीक हो जा, फिर हम दोनों साथ मिलकर ढूंढेंगे बोंदिता बहू को। झूठी उम्मीदें दूसरों को मत दीजिए जेठ जी, और मैं तो कहती हूँ खुद भी मत रखिए। पूरी दुनिया सिर्फ तुलसीपुर नहीं है, बहुत बड़ी है। कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप बोंदिता को, और वैसे भी वो तो मिलने से रही। चलो अच्छा ही हुआ बोंदिता चली गई यहाँ से। वैसे भी कौन सा रिश्ता बचा था जिसका नाम लेकर वो रहती है यहाँ पे। और मैं तो कहती हूँ बोंदिता को भूल जाइए, और समझ लीजिए कि बोंदिता मर चुकी है। कर लीजिए जितना गुस्सा करना है, पर इसे सच तो नहीं बदलेगा ना कि बोंदिता अब हमारी कोई नहीं लगती, और उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। ठाकुर माँ, मुझे तुलसीपुर संदेश भेजना है। वहाँ सखा बाबू और बाकी सब मेरी चिंता कर रहे होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं ठीक हूँ तो। ओए माँ, आपको लगे तो नहीं? दिमाग से टिमटिम, नाम रिमझिम, मटक के चलने से लचक नहीं आती, पर करछी चलानी हो तो मुंह पे चक जाता है। मेरे हाथ की एक दो नाक आए तो तेरा पेट नहीं भरता ना। अब कहाँ चली इतना सज धज कर, हाँ? पति कलकत्ते में है और तू इतना सज धज कर बाहर निकल रही है, जानती नहीं बिना पति औरत जात अमावस की रात। अब बोलेगी कि कहाँ जा रही है? ओ सासू माँ, मैं सैर सपाटे के लिए नहीं, आप ही के काम के लिए तो बाहर जा रही थी। वो जो दवाइयाँ और औषधियाँ आपको कलकत्ता, बिष्णुपुर और भवानी नगर भिजवानी है ना, वो कोई लेने नहीं आया, वही देखने जा रही थी कि अभी तक कोई लेने क्यों नहीं आया। क्या बताऊँ तुझे बोंदिता, पूरे बंगाल में प्रसिद्धि है हमारी सासू माँ की दवाइयों की और औषधियों की। झूठ बोलूँ तो मेरी जान ले लो। जिसने अपने पैर धूप में न डाले वो क्या जाने दूसरों के छाले। ये प्रसिद्धि नहीं मजबूरी है मेरी, वरना औरतों के पैर चौखट पार करते अच्छे नहीं लगते। लेकिन ठाकुर माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब तक घर की बेल दीवार से चिपकी रहे तब तक सुरक्षित है। जैसे ही वो आंगन फांदने लगती है उसका कटना निश्चित है। रिमझिम तू जा, मैं देख लूंगी कि औषधियां पहुंच जाए। ठीक है सासू माँ। रुक,
आज ही तेरी तितलियाँ टुपुर टापुर कहाँ है? सासू माँ वो तो पूजा की तैयारी कर रही हैं। आप ही ने तो कहा था कल से बौंदिता भी साथ जाएगी उनके। गलत लोगों की संगत में रहकर इसके दिमाग में मैल भर गया है जो साफ करना। लड़की और कोड जब फैलते हैं तो हाथ नहीं आते। ये सामान तो तुलसी पुजारा है, क्यों ना इसी में मैं सखा बाबू को चिट्ठी लिखकर भेज दूं। अनिरुद्ध बंधुत बेटा कैसा लग रहा है? काका मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? काका काका मुझे बंधुता को ढूंढना होगा। ए, ए बेटा अनिरुद्ध अपनी हालत देख, चला नहीं जा रहा है तुझसे। अरे इस हालत में कैसे ढूंढेगा बंधुता बहू को इतनी बड़ी दुनिया में? काका होगी दुनिया बहुत बड़ी पर मेरा इरादा उससे भी ज्यादा बड़ा है। इसीलिए दुनिया चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो मेरी और बंधुता की मंजिल एक है तो हमारी राह एक है। काका मैं और बंधुता चाहे कितना दूर क्यों ना हो हमारे रास्ते मिल ही जाएंगे हमारे रास्ते। बंधुता मालिक चिट्ठी आई है, बंधुता मालिक की चिट्ठी आई है। चिट्ठी क्या क्या चिट्ठी? आदरणीय सखा बाबू आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और अपने ठाकू माँ के यहाँ सुरक्षित हूँ। बताएं माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सखा बाबू जल गई है। सुमति माँ को क्या हो गया? इसीलिए ठाकू माँ मुझे अपने साथ ले गई हैं ताकि माँ के साथ रहकर उनका ख्याल रख सकूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहू ठीक है, सुरक्षित है। देख तो बंधुता ने लिखा है कि ठाकू माँ का पता क्या है, कौन से गांव के हैं वो? अली माता मंदिर कृष्णा नगर। ठाकू माँ के गांव का नाम कृष्णा नगर है। काका काका मुझे अभी के अभी कृष्णा नगर जाना होता, वहां सुमति माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इस समय मेरा बंधुता के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं अभी के अभी निकलता हूँ। अनिरुद्ध क्या हुआ? क्या कहा? तू अकेला नहीं जाएगा, हम भी तेरे साथ जाएंगे। तैयारी करो। टुपुर तुम दोनों मिलकर हार बना लो। ठीक है दीदी। लगता है नाग बाबू आए हैं। जरूर सखा बाबू का उत्तर लाए होंगे। ठाकुमा पता है बंधुता ने तुलसीपुर चिट्ठी भिजवाई है अपने सखा बाबू को। काका चिट्ठी पे जो पता लिखा है उसके हिसाब से तो यही घर लग रहा है। काका इसका मतलब हम बंधुता से बस कुछ ही कदम दूर हैं। ये कुछ कदम की दूरी एक बहुत बड़ी और गहरी खाई भी हो सकती है अनिरुद्ध। कुछ कहा आपने काका? हाँ नहीं कुछ नहीं अनिरुद्ध, हम बस ये कह रहे थे बेटा कि इतनी जल्दी इतनी ज्यादा उम्मीदें मत बांध, इतना खुश मत हो क्योंकि कई बार अपनी खुशियों को अपनी ही नजर लग जाती है।
मालिक जल्दी चलिए ना बोंदिता मालकिन से मिलने, अब किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ बिहारी चलिए काका। अनिरुद्ध हाँ हम कह रहे थे कि तू अभी चला जा अकेले, सिर्फ हम कुछ देर बाद चले जाएंगे। मतलब तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो हम कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं। ठीक है काका, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। बिहारी काका के साथ रुक जाओ। हाँ मैं आया। समझ में नहीं आ रहा कितने दूर से आए हैं और यहाँ दरवाजे पर क्यों रुक गए हैं बड़े मालिक, अंदर जा क्यों नहीं रहे मिलने बोलता मालकिन से। बस कुछ ही पलों में तुम्हारे सखा बाबू तुम्हारे ही साथ होंगे बोंदिता। बोंदिता चिट्ठी क्यों लिखी? क्योंकि मुझे लिखनी आती है ठाकुर माँ। आता तो मुझे भी है, लाठी से पैर तोड़ना, लेकिन मैं तोड़ती तो बगीचे के आम ही हूँ ना। ठाकुर माँ तुलसीपुर में सखा बाबू और बाकी सभी चिंता कर रहे होंगे मेरी, इसलिए जब मैंने देखा कि आगे दवाइयाँ तुलसीपुर जा रही हैं, तो उनके साथ मैंने अपनी चिट्ठी भी भेज दी। बस लड़की और पांव की जूती जब आवाज करते हैं तो कानों में चुभती है। और आज के बाद तुलसीपुर वालों का नाम तक मत लेना मेरे सामने। बुझिचिश ठाकुर माँ का घर यही है? हाँ यही है। पंडित शुक्रिया। क्यों ना लूँ उनका नाम? क्या वो मेरा परिवार नहीं है? ना बंदिता, अब हम सब ही तेरे परिवार वाले हैं और ये चार दीवारी ही तेरा घर है। और हाँ, ये पढ़ाई लिखाई बंद कर दे। पढ़ाई लिखाई ये सब अधर्म की बातें हैं। पर क्यों ठाकुर माँ, क्या बुराई है पढ़ने लिखने में? बुराई तो सुंदरबन के शेरों में भी नहीं है, तो क्या मैं उन्हें मेहमान बनाकर अपने घर ले आऊँ? इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है कि ये पढ़ने लिखने की बीमारी है जिसने तेरे जीवन में इतना अंधेरा फैलाया है। नहीं ठाकुर माँ, पढ़ाई तो वो दीपक है जिसकी रोशनी से हम अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे और अच्छा। दीपक के जलने से रोशनी फैलती है, पर उसके नीचे कालिख भी जमा होती है। दीपक की रोशनी किसके लिए? सिर्फ लड़कों के लिए। और लड़कियों के हाथ आती है तो सिर्फ कालिख, जिससे हाथ तो काले होते ही हैं, अगर ध्यान न रहे तो एक दिन मुंह भी। लेकिन ठाकुर, बस मुझे जाना है अब। सुमति बहू को लेप लगाना है, अगर समय पर मरहम पट्टी दवा ना हुई तो जड़ी बूटियों का असर नहीं होता। और सुन पकड़, साफ कर वो गंदगी वहां से भी और अपने दिमाग से भी। और एक बात गांठ बांध ले, आदमी बाहर कमाई करता
औरत घर में सफाई करती अच्छे लगते हैं। बुझी चीश? इतने समय बाद बोंदता को मिलने वाला हूँ, कोई तोहफा ही नहीं लाया मैंने। ठाकुर माँ कितना कुछ कर रही है मेरे और मेरे माँ के लिए, मैं उनके विचारों का निरादर नहीं कर सकती, पर काश सखा बाबू यहाँ होते तो मेरी मदद करते ठाकुर माँ को शिक्षा का महत्व समझाने में। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.